नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मुंबई और अयोध्या एक दूसरे से 1500 किलोमीटर के फासले पर हैं, लेकिन अयोध्या का कनेक्शन मुंबई की राजनीति से है और इसके पीछे कारण है हिंदुत्व। अगर किसी राजनेता को अपनी हिंदुत्ववादी छवि बनानी है तो उसे अयोध्या जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवंबर में अयोध्या जाने का ऐलान किया है। शिंदे का अयोध्या जाना उस सिलसिले की एक और कड़ी है जहां महाराष्ट्र के राजनेता अपने आप को हिंदुत्ववादी साबित करने के लिए अयोध्या जाते हैं। शिवसेना दो फाड़ है और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के गुट के बीच होड़ लगी है खुद को हिंदुत्व का असली झंडा बरदार साबित करने के लिए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे का ये पहला अयोध्या दौरा होगा। आखिरी बार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने से चंद दिनों पहले ही वे उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या गए थे। चर्चा ये भी है कि इस बार वे अपने सांसद बेटे श्रीकांत और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी साथ ले जाएंगे, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। शिंदे का अयोध्या दौरा इसलिए अहम है क्योंकि इसे उनकी एक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। इसी साल जून में बगावत होने के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई, एक गुट उद्धव ठाकरे का और दूसरा एकनाथ शिंदे का, जो कि अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। दरअसल शिंदे ने ठाकरे से अलग होने के जो तमाम कारण गिनाए, उनमें से एक कारण ये गिनाया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा से अलग हो गए हैं। शिवसेना की पहचान एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है, लेकिन साल 2019 में कांग्रेस और एनसीपी की मदद से मुख्यमंत्री बनने की खातिर उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा से समझौता कर लिया और सेक्युलरवादी पार्टियों की मदद से मुख्यमंत्री बन बैठे। बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन टूट गया। ये वो गठबंधन था जो कि हिंदुत्व के आधार पर खड़ा किया गया था। अब अयोध्या जाकर एकनाथ शिंदे ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका गुठी असली शिवसेना है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। शिंदे जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता की खातिर उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के विचारों से समझौता कर लिया। उद्धव ठाकरे बाला साहब की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन उनके विचारों के वारिस शिंदे अपने आप को बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के पहले खुद उद्धव ठाकरे बीजेपी पर हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम होने का आरोप लगा रहे थे। बीजेपी को संदेश देने के लिए वे अपने परिवार के साथ अयोध्या भी गए। पार्टी की ओर से बड़ा आयोजन किया गया। उद्धव ने सरयू आरती की और संत महंतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उद्धव और बेटे आदित्य अयोध्या गए ताकि कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार में रहते हुए भी उनकी हिंदुत्ववादी छवि बरकरार रहे। राजनेताओं के अयोध्या जाने के अलावा अयोध्या का जिक्र मुंबई में उनके भाषणों के दौरान भी होता रहता है। इसी साल मई में जब एक भाषण के दौरान बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाते वक्त वे वहां मौजूद थे, तब उद्धव ने उनका मजाक उड़ाते हुए सवाल उठाया और कहा कि तब वे बच्चे रहे होंगे। अयोध्या जाने की हसरत एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की भी है। साल 2020 में मराठीवाद की राजनीति करने वाले राज ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया। उन्होंने अपने चौरंगी झंडे को बदलकर भगवा झंडा अपनाया और एक भाषण के दौरान कहा कि यही भगवा झंडा पार्टी की स्थापना करते वक्त उनके मन में था और हिंदुत्व उनके डीएनए में है। अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और पुख्ता करने के लिए इसी साल अप्रैल मई में राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाने की मांग की और साथ ही ऐलान किया कि वे अयोध्या जाएंगे। राज ठाकरे के कार्यकर्ता उन्हें हिंदू जननायक कहने लगे, पर उनके अयोध्या दौरे पर उस वक्त रोड़ा अटक गया जब कहानी में एंट्री हुई बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। सिंह ने कहा कि वे तब तक राज ठाकरे को अयोध्या में कदम नहीं रखने देंगे जब तक कि राज ठाकरे मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ हुई हिंसा के लिए माफी नहीं मांगते। राज ठाकरे ने यह कहते हुए दौरा रद्द कर दिया कि उनके लोगों को आपराधिक मामलों में फंसाने की साजिश रची गई थी। 1989 में जब दो सीटों वाली बीजेपी ने अपने पालमपुर अधिवेशन के दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया तो बीजेपी बढ़ते बढ़ते आज लोकसभा में 303 सीटों तक पहुंच गई है। लेकिन अयोध्या के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं रह गई है, कई और भी पार्टियां हो गई हैं और यही वजह है कि भले ही अयोध्या मुंबई से 1500 किलोमीटर दूर हो, लेकिन मुंबई की सियासत में
आज भी अयोध्या का नाम गूंजता है।